स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आ रही है ये आ रही है टॉप MNC कंपनी की तरफ से। तो गाइज, इस कंपनी का नाम है GE इंडिया लिमिटेड। गाइज, ये काफ़ी अच्छी और लेटेस्ट कंपनी है। साथ में मैं आप लोगों को बता दूं गाइज, ये कंपनी क्या वर्क करती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, इसके बारे में देखिए दिया गया है, GE इज लीडिंग एनर्जी प्लेयर कंट्री विद स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज इन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन ऑफ पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट कंपनी है। गाइज, अब इसके बारे में तो आप लोग ऑलमोस्ट जान ही चुके होंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें आप लोग की दी गई हैं। ये कहने का मतलब है इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में वर्क करती है। आप लोग को सीधा सिंपल मैं आप लोग को वर्ड बताऊँ तो ठीक है, ये कंपनी काफ़ी लेटेस्ट है और यहाँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट एलिजिबल है वो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और जो एलिजिबल नहीं है वो वीडियो को लाइक करके स्किप कर सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो गाइज, यहाँ पर क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल है, ऑनली डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है। बात करें ग्रेजुएट एंड ITI वालों की तो गाइज वो एलिजिबल नहीं है। अगर आप लोग वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके स्किप कर सकते हैं। यहाँ ओनली ऑन डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल हैं, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट फ्रेशर और एक्सपीरियंस अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर ग्रेजुएट और ITI वाले कैंडिडेट हैं वो अपनी ब्रांच और क्वालिफिकेशन मेंशन कर सकते हैं। अब गाइज, यहाँ मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर थे हमारे जिनके कमेंट आए थे इस लोकेशन से, तो गाइज वहाँ से ही काफ़ी अच्छी अपडेट आई थी, तो इसलिए ये है मैंने आप लोगों को। और साथ में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि डिप्लोमा के काफ़ी सारे सब्सक्राइबर थे जो उन्होंने कमेंट किया। तो गाइज, जब भी आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों की उससे रिलेवेंट जब भी वैकेंसी आएगी मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए वॉक इन इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं। गाइज, वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, वॉक इन इंटरव्यू मतलब ऑफ कैंपस इंटरव्यू रहने वाला है। जहाँ पर ये इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है उस लोकेशन पर आप सभी को जाना है। अब गाइज, इंटरव्यू किस तरीके से देना है, वेन्यू क्या रहेगा, सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो कंपनी है GE इंडिया लिमिटेड यहाँ पर रहने वाली है। इस कंपनी के बारे में मैंने आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बताया था, बट आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक आपको कंपनी के बारे में नहीं पता होगा कंपनी क्या करती है, क्या वर्क करती है, ये सारी चीज़ें, तो आप लोग उस कंपनी के बारे में कभी पूछ भी लेते हैं। HR मान लीजिए, वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला मान लीजिए, पूछ लिया कंपनी क्या करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, या फिर कुछ भी एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। तो आप लोगों को जब कंपनी के बारे में ही नहीं पता तो आप उसमें क्या जॉब करेंगे, मेनली ये बात होती है सबसे मेन। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए यहाँ से। उसके बाद देखिए, नीचे स्क्रॉल करते हुए हमें कंपनी की वेबसाइट दी गई है। कंपनी की वेबसाइट पर आप लोग को मैंने पहले ही दिखा दिया, अप्रेंटिस रहने वाली है गाइस, ये परमानेंट जॉब नहीं रहेगी, बट आप लोग को इसमें एक जो है परमानेंट जॉब निकलती रहती है, तो जो अप्रेंटिस किए हुए स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए निकाली जाती हैं और वही अप्लाई कर सकते हैं। अदर जो स्टूडेंट होते हैं फ्रेशर, वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर जो अप्रेंटिस किए हुए स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। जॉब लोकेशन पुणे है, पुणे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, सैलरी डिस्क्लोज की गई है, क्योंकि सैलरी इसलिए की गई है, यहाँ पर अलग अलग आप लोग का क्वालिफिकेशन, अलग अलग यहाँ पर एक्सपीरियंस रहेगा, और अप्रेंटिस रहने वाला है, सैलरी आप लोग को नहीं बताया गया है। सबसे पहले देखिए, डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब डिप्लोमा में बात करें गाइस, ब्रांच तो मैकेनिकल ब्रांच रहने वाली है, जैसे मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, साथ में RAC वाले भी अप्लाई कर लेना गाइस, वो भी मैकेनिकल ब्रांच ही होती है। यहाँ जो ब्रांच है ये सभी मैकेनिकल की ब्रांच है। अब फर्स्ट क्लास इन SSC एंड डिप्लोमा विदाउट एनी बैग, तो गाइस इन्होंने पहले ये बात क्लियर किया है कि अगर आपके डिप्लोमा में कोई भी बैक लगा है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल फ्रेशर होने चाहिए, बैक नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ है, 60% से ऊपर आप लोग के मार्क्स होने चाहिए, ये थोड़ा कंडीशन रखा गया है। ये फर्स्ट क्लास बोल दिया, फर्स्ट क्लास का मतलब है 60%। अब आपके 12th में भी यहाँ पर 60% हो, या फिर आप लोग के डिप्लोमा में भी 12th यहाँ पर जो 60% होना चाहिए। बात करें गाइस यहाँ पर एक्सपीरियंस की, तो फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं, 2022 के पास आउट भी अप्लाई कर सकते हैं,
क्योंकि गाइज वो अब जो है अपियर है, बट जो है बहुत जल्दी उनका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट जो कैंडिडेट है पास आउट होने वाले, इसीलिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों का यहाँ पर जो डेट है, किस दिन रहेगा इंटरव्यू, 15 जुलाई को इंटरव्यू रहने वाला है। टाइमिंग दिया गया 9:30 बजे से दिया गया 5:30 बजे तक इंटरव्यू डेट टाइम दिया गया है। वेन्यू क्या रहने वाला है ये देखिए गाइज, वेन्यू आप लोग का ये कॉलेज है, उस कॉलेज में रहने वाला है जैसे एजुकेशन कॉम्प्लेक्स सेक्टर 29 में पुणे महाराष्ट्र का यहाँ पर ये रहने वाला है। अब आपको मैं इसका जो है मेन नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। तो गाइस देख सकते हैं ये वैकेंसी आ रही है naukri.com की तरफ से, और naukri.com की जो प्रोफाइल है गाइस, इनकी मेन प्रोफाइल से निकल कर आ रही है। डिप्लोमा अप्रेंटिस 2022 वाले जो एलिजिबल है, 0 to 1 year एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज यहाँ पर लगभग आप लोग का देखिए 1,75,000 तक दिया है, बट गाइज यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्लियर नहीं किया है इन्होंने। ईयरली सैलरी बता दी है, अप्रोक्स इस सैलरी तक जाएगी, और आपका जो टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें सेम दी गई हैं। जॉब हाईलाइट में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन में बताया गया है ये लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग MNC कंपनी है जो डिप्लोमा अप्रेंटिस वालों को हायर करती है। पुणे आप लोग का लोकेशन रहेगा। साथ में देखिए आप लोग का जो आप लोग ऑफलाइन टेस्ट के लिए जाएंगे, तो ऑफलाइन टेस्ट के लिए जाएंगे, हो सकता है वहाँ पर आपका ऑनलाइन तरीके से टेस्ट भी कंडक्ट करा दिया जाए। बेसिकली ये जो है ऑफ कैंपस इंटरव्यू रहेगा। टाइमिंग आप लोग की 9 बजे दे रखी है, 9 बजे तक पहुँच जाइए। वेन्यू आप लोग का दिया गया है, ये एड्रेस है। अगर ये एड्रेस आप लोग के आसपास की लोकेशन है या फिर आपके दोस्तों के आसपास के लोकेशन, तो गाइस उन्हें शेयर कर देना जिससे कि वो कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। अगर वो भी एक स्टूडेंट भी आपका लग जाता है गाइस, तो आप लोगों को कैसे भी ना कैसे उस कंपनी में लगवा लेता है। तो कभी भी जब भी वैकेंसी आएगी आपके दोस्त आपको लगवा लेंगे, तो आप लोग ये ना सोचें कि मेरा दोस्त ना लगे मैं लग जाऊँ, ये वाली चीज़ ना हो। आपका एक्सपीरियंस फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इमीडिएट ज्वाइनिंग रहेगी, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा दे रखा है, और साथ में आप लोग का मैकेनिकल रहेगा, फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगा। बट मैं पहले ही बता चुकी हूँ अप्रेंटिस रहेगा गाइस। अप्रेंटिस के बाद जब भी उसमें जो है फॉर्म निकलेगा, आपको वो फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद आप लोग परमानेंट कर दिए जाओगे, ठीक है। डिप्लोमा मैकेनिकल से अप्लाई कर सकते हैं। ये थी गाइस आपकी आज की अपडेट। अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।